एवरीवन, अब विंटर्स आ गई हैं। हमारा ट्रेजर है कि हम खाते हैं पिकल्स विंटर्स में, तो मैं आपको आज एक रेसिपी बताने लगी हूँ। जिंजर लेमन पिकल है जो मैं यूजुअली बनाती हूँ। बहुत सारे पिकल्स हम विंटर्स में बनाते हैं, लेकिन ये है कि इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाता है। इट्स अ फस्ट फ्री रेसिपी और बहुत न्यूट्रिशियस भी है। सबसे पहले मैं आपको जिंजर के बेनिफिट्स बता देती हूँ। जिंजर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जिंजर में रहती हैं। अगर आपको कहीं इन्फ्लेमेशन रहता है बॉडी में कहीं, तो आपको देखोगे कि वो हीलिंग में हेल्प करता है, देन डाइजेशन में हेल्प करता है। कई बार मेरे क्लाइंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि मैम ब्लॉटिंग का इशू रह रहा है, कुछ भी आप जिंजर एंटी स्टमक के टाइमिंग पे रह रहे हो या ऐसे पिकल्ड जिंजर बना रहे हो, तो उसको हेल्प करता है आपका जो ब्लोटिंग है उसको कर्व करने में। प्लस अगर प्रेग्नेंट वुमेन होती है, फीमेल्स होती हैं, उनको यूजुअली कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रॉब्लम रहता है कि मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे जिंजर खा रहे होते हो तो आपका मॉर्निंग सिकनेस का जो इशू है वो उसको कम्बैट करने में हेल्प करता है, वो रिकवर करने में आपको हेल्प करता है। देन ये फर्मेंटेड फूड्स हैं, तो फर्मेंटेड फूड्स आपके कॉलन, आपके गट की क्लींजिंग में हेल्प करते हैं। देन इसके अंदर मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, ये सब मिनरल्स हैं, तो ये आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो या वेरी हेल्दी। बस हाँ, ये चीज़ है, पिकल्स हम खाते हैं, ऑब्वियसली यू डोंट हैव इट इन अ वेरी लार्ज पोर्शन, तो मॉडरेशन में खाना है। डेफिनेटली यू कैन एंजॉय विद योर लंचेस, डिनर्स, अपने मीनीज के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो क्विकली फ्रेंड्स, लेट्स कम टू द रेसिपी। मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। ये मैंने यहाँ पे 2 कप्स जिंजर जूलियंस ले लिए हैं, इस तरह के साइज के 2 इंच पीसेस ये जिंजर जूलियंस हमने काट लिए हैं। देन हमने 2 लेमन्स के स्लाइसेस ले लिए, डाइस कर लिए लेमन्स को। देन लेमन जूस हमने ले लिया, 3-4 लेमन्स का जूस ले सकते हैं आप, और साथ में सॉल्ट है। और ग्रीन चिलीज हमने 2 ग्रीन चिलीज स्लिट करके ले लिया, मैंने इसको नमक लगा के रखा हुआ है। हम जो लेमन है और जो सॉल्ट है वो प्रिजर्वेटिव है, वो काम करेगा, इसमें कुछ ऑयल नहीं जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत जल्दी से पिकल बन जाता है। चलिए अब इसको बनाते हैं। और इसके लिए डेफिनेटली आप जो ग्लास जार ले रहे हो, मेसन जार, जस्ट इंश्योर कि वो आपने प्रॉपरली स्टेरिलाइज किया हुआ है और पैन ड्राई किया हुआ है, प्रॉपर वो सूखा हुआ है, नहीं तो आपका पिकल खराब हो जाएगा। हमने जिंजर जूलियंस को डाल लेना है जार में। राइट, मेरे पास बहुत सारे बैचलर्स ज्वाइन कर दिए डाइट प्लान के लिए। राइट, आप हॉस्टल में रह रहे होते हैं, आप खुद से रह रहे होते हैं, पीजी में भी, नॉट लिविंग विद योर फैमिली, तो फैमिलीज के साथ तो हम ये सब चीज़ें रिलिश करते हैं, बट डेफिनेटली अब वो टाइम चला गया है कि आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ेगा, और ये आप पिकल घर खुद बना रहे हो तो आप देखोगे बहुत जल्दी बन जाता है, और इसको बहुत ज़्यादा आपको धूप में रखने के लिए भी बहुत टाइम नहीं देना होता। एक दिन आपने रख दिया एंड यू आर रेडी टू गो। इसकी शेल्फ लाइफ आप देखेंगे कि 1 मंथ आराम से चल जाता है, बाद में 3-4 दिन के बाद आप इसको फ्रिज में रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई बार आप वर्किंग होते हैं, घर पे नहीं होते हैं हर टाइम, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेमन्स भी मैंने डाल दिए हैं, जिंजर जूलियंस डाल दिए हैं, अब मैं लेमन जूस डाल रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप सॉल्ट डाल सकते हैं, और ज़्यादा मैं कुछ स्पाइसेस इसमें पसंद नहीं करती डालना, इतना ही सिंपल बेटर रहता है। राइट, लेमन जो जूस आप डाल रहे हैं, जस्ट इंश्योर कि वो इतना हो कि आपका 3/4 कवर कर देता है वो जार को, ताकि क्योंकि ऑफ कोर्स आपको प्रिजर्व करना है, तो प्रिजर्वेटर का वो काम करेगा। यू कैन गिव इट नाइस टॉस एंड या यू आर रेडी टू गो, एंजॉय इट विद योर मील्स। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग इट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको अच्छा लगा, आई विल मेक मोर सच वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।